हेलो फ्रेंड, मैं हूं असीम। फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल असीम पे। तो इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स के बारे में बात करूंगी जिससे आप फ्री में 10 रुपीस पर सिम पे ले सकते हो। आपके पास जितना सिम है आप उतना सिम से 10 रुपीस ले सकते हो। 20 रुपीस भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब 10 रुपीस तो आपको 1 मिनट के अंदर ही आपको फ्री में 10 रुपीस मिल जाएंगे। आपके पास जितना सिम है उतना सिम पे आप 10 रुपीस फ्री में ले सकते हो। तो कैसे लेना है, किस तरह का ऑफर है, कहाँ कौन सी ऐप्स अब यूज करना है, इस जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल कलर सब्सक्राइब बटन उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन में उसमें भी दबा लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो मैं ऑफर के बारे में बात करूँगी वो है फ्री चार्ज की तरफ से। तो आपके पास फ्री चार्ज ऐप्स है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन है इसका डाउनलोड लिंक दे दूँगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो मैन्युअली जाके डाउनलोड कर लीजिए और एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिए। शायद आप लोग फ्री चार्ज ऐप बहुत दिन से यूज कर रहे हो तो आपके पास शायद होगा, इसलिए मैं इसका जो पुराना ऑफर है ओल्ड ऑफर है इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो अभी अभी एक आज रिपब्लिक डे है, इसलिए रिपब्लिक डे के लिए फ्री चार्ज ने एक नया ऑफर लॉन्च किया आज और कल तक रहेगा। जो 10 रुपीज़ रिचार्ज करके तो आपको 10 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएंगे। और उस 10 रुपीज़ का कैशबैक का आपको कैसे आपका पेटीएम वॉलेट से लेना है मैं इसी बारे में इस वीडियो में इस ट्रिक को बता दूंगी। तो आपको 10 रुपीज़ आपका फ्री चार्ज वॉलेट में है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो आपको डेबिट कार्ड से आपको ये 10 रुपीज़ लेना होगा। तो 10 रुपीज़ अब फिर से आप डेबिट कार्ड से कैसे ले सकते इस वीडियो में मैं उस ट्रिक को भी बता दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्री चार्ज ओपन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल जो दिखा रहा है उस मोबाइल पे क्लिक करिए। तो क्लिक करके बनने के बाद आपको कोई भी एक नंबर दीजिए जिस नंबर से आप रिचार्ज करना चाहते हैं। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ और कोई भी एक रिचार्ज कोई भी कुछ किसी भी नंबर से आप रिचार्ज कर सकते हो। जिस अकाउंट से अकाउंट क्रिएट किए उसी अकाउंट से रिचार्ज करना है कोई बात नहीं, आप किसी भी अकाउंट से रिचार्ज कर सकते हो। तो मैं कोई भी एक नंबर दे देता हूँ। तो जैसे फ्रेंड आप देख सकते हो मैं मेरा नंबर दे दिया। यहाँ पे आपको मिनिमम 10 रुपीज़ ले देना होगा। आपको 10 रुपीज़ से ज़्यादा रिचार्ज करना है, 20 रुपीज़ रिचार्ज करना है तो 20 रुपीज़ भी आप देख सकते हो, लेकिन आपका कैशबैक जो 10 रुपीज़ से मिलेंगे। तो आप बेहतर होगा 10 रुपीज़ ही रिचार्ज कर लिए, आपको 10 रुपीज़ का कैशबैक ही तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से क्लिक कीजिए। उसके बाद देख सकते हो इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो हैव ए प्रोमो कोड, इस तरह का एक ऑप्शन आपको दिखा रहा हैव ए प्रोमो कोड, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको प्रोमो कोड डालना होगा रिपब्लिक। आपको रिपब्लिक प्रोमो कोड है रिपब्लिक अप्लाई कर दीजिए। देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है जो रिपब्लिक प्रोमो कोड अप्लाई हुआ, ये आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या वॉलेट बैलेंस किसी भी से ये पे कर सकते हो। आपका वॉलेट बैलेंस से होगा तो यहाँ पे वॉलेट बैलेंस दिखाएंगे और यहाँ पे एक टिक चिन्ह टिक मार्क को आपको दिखाएंगे। तो जैसे भी देख सकते हो इस बार मैं मेरा जो पे डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड का मैं जैसे मैं देख सकता हूँ मैं मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल्स दे दिया। उसके बाद प्रोसीड टू पे में क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू पे में क्लिक करेंगे तो देख सकते हो इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक OTP आएंगे, तो मैं मेरा ओटीपी नंबर दे दूँगी। उसके बाद मैं दिखाऊँगी हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे OTP मांग रहा है जिस नंबर से आप मेरा पेटीएम बैंक से कर रहा हूँ, इसलिए पेटीएम बैंक से दिया रखा है। मैं पेटीएम बैंक से OTP डाल के आपको दिखा देती हूँ रिचार्ज करके। जैसे भी देख सकते हो मैं OTP दे दिया। उसके बाद सबमिट में आपको क्लिक करना होगा। सबमिट में क्लिक कर दिया, लोडिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा देर वेट कर लीजिए तो तुरंत ही 10 रुपीज़ रिचार्ज हो जाएंगे और 10 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएंगे। उस 10 रुपीज़ जो कैशबैक मिलेंगे उस 10 रुपीज़ को फिर से आप पेटीएम बैंक से कैसे ट्रांसफ़र कर दें ये देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है पेटीएम सक्सेसफुल, मेरा जो पैसा वो काट गया, अभी रिचार्ज भी सक्सेस। देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है रिचार्ज भी सक्सेस और योर कैशबैक 10 रुपीज़ इज सक्सेसफुल। आपको मैं बैक करके इसका जो कैशबैक जो मुझे मिल गया मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हो यहाँ पे 10 रुपीज़ का कैशबैक तुरंत ही मुझे रिचार्ज अभी किया अभी मिल गया। तो और भी एक ऑफर है आपको, और भी एक 10 रुपीज़ आपके पास जितना सिम है
तीसरा नंबर से पेटीएम एक करके इस तरह का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, फ्रीचार्ज अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और 10 रुपीज़ करके रिचार्ज लीजिए। आपको 10 रुपीज़ तो आपको और एक रिचार्ज चाहिए तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहा है डील्स है, डील्स में आपको आना होगा, क्योंकि ये डील्स में आने के बाद यहाँ पे ये ऑफ़र कभी कभी आ रहा है कभी कभी जा रहा है, कोई बात नहीं, ये ऑफ़र आप यूज कर सकते हो तो यूज कर लीजिए। यहाँ पे 1 रुपीज़ दे के आपको एक कूपन कोड खरीदना होगा, उस कूपन कोड से आप 10 रुपीज़ का रिचार्ज करेंगे तो फिर से आपको 10 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएंगे। तो आपको पर सिम पे 20 रुपीज़ आपको कैश 20 रुपीज़ का फ्री रिचार्ज मिल जाएंगे। उसके लिए आपको 11 रुपीज़ आपको पेमेंट बैंक से देना होगा, आपको कोई भी बैंक से देना होगा। आपका फ्रीचार्ज अकाउंट से पैसा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपको पेमेंट बैंक से देगा। और 11 रुपीज़ को आपको फिर से पेमेंट बैंक से कैसे ट्रांसफ़र करते हैं मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। थोड़ा ये खुल रहा नहीं है, अरे कोई बात नहीं, तो मैं एक टिप्स बताना चाहता हूँ। तो ये 10 रुपीज़ है, उससे आप कैसे फिर से पेटीएम बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसलिए आपको आपके पास एक फ़ोनपे अकाउंट रहना ज़रूरी है। आपके पास तो शायद फ़ोनपे अकाउंट है, तो फ़ोनपे अकाउंट से कैसे करते हैं 10 रुपीज़ फिर से बैक ये आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं मेरा दूसरा फ़ोनपे आपको दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरा पैसा एक दूसरा फ़ोन है, ये फ़ोनपे मेरा एक फ़ोनपे अकाउंट है, इस फ़ोनपे भी है, लेकिन यहाँ पे यार ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है इसलिए दूसरा फ़ोन मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखना होगा आदर्श वॉलेट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है जब फ्रीचार्ज से आप लिंक कर सकते हो, तो ये लिंक में आपको क्लिक करना होगा। लिंक में क्लिक कर कोई भी एक जिस नंबर से आप फ्रीचार्ज अकाउंट क्रिएट किया था उसी नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे नंबर देने पर सेंड ओटीपी में आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको जो लिंक है लिंक हो जाएंगे। तो लिंक होने के बाद आपको क्या करना होगा, आप शायद जान सकते हो फ़ोनपे अकाउंट से कैसे उसका वॉलेट बैलेंस को बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आपको गोल्ड खरीदना होगा, गोल्ड खरीदने से आपका जो 10 रुपीज़ का गोल्ड यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट बैलेंस दिख रहा है। फ्रीचार्ज का जो लिंक करने से आपको यहाँ पे फ्रीचार्ज का अकाउंट भी दिखाएंगे जितना रुपीज़ है। तो 10 रुपीज़ का आपको यहाँ पे 10 रुपीज़ का गोल्ड खरीदना होगा, उसके बाद आप फिर से गोल्ड को भी सेल कर देना होगा। तो उससे आपको 10 रुपीज़ का जो पेटीएम वॉलेट से फ्रीचार्ज से रिचार्ज करने से लेकर काटा था फिर से आपको वो बैलेंस आपको आपको वॉलेट बैलेंस में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड लोग को भी शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा तेरा वीडियो आपके लिए पास लेते आता रहता हूँ।